सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने एनएस न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने के साथ पीएम मोदी ने समाप्त की ऐतिहासिक पोलैंड यात्रा। अनुच्छेद 370 निरस्त करना जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों पर कुठाराघात, पवन खेड़ा। रांची में भाजपा की जन आक्रोश रैली से डरी हुई है मंत्र सरकार, शिवराज सिंह चौहान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने के साथ पीएम मोदी ने समाप्त की ऐतिहासिक पोलैंड यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पोलैंड को दो दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पूरी की है। यह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की 1989 की यात्रा के बाद 45 साल में किसी शीर्ष भारतीय नेता की पहली पोलैंड यात्रा है। पीएम मोदी ने अपने पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डुडा के साथ अलग अलग बैठक की। इसके अलावा उन्होंने यहां उन प्रमुख स्थलों का भी दौरा किया जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की याद दिलाते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अनुच्छेद 370 निरस्त करना जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों पर कुठाराघात, पवन खेड़ा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव पर खुशी जताई, लेकिन कहा कि पार्टी को इस बात का रंज भी है कि अब यह राज्य न रहकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। खेड़ा ने बातचीत के दौरान कहा, लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिसे वहां के स्थानीय लोगों में व्यापक उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस बात का रंज है कि अब जम्मू कश्मीर एक राज्य न रहकर केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो चुका है जिसे हमने अब भी स्वीकार नहीं किया था और ना ही कभी स्वीकार करेंगे। आई बढ़ती अगली खबर की ओर। राज्य में भाजपा की जन आक्रोश रैली से डरी हुई है मंत्र सरकार, शिवराज सिंह चौहान। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राजधानी रांची से सत्ताधारी हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार भाजपा की जन आक्रोश रैली से डरी हुई है। शिवराज सिंह चौहान रांची के मोराबादी मैदान में भारतीय युवा मोर्चा के नेतृत्व में होने वाली युवा जन आक्रोश रैली के लिए गुरुवार देर शाम राजधानी पहुंचे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर से कई सोशल प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का, पैसे लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।